सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन साकेत मुक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश भारत, वर्तमान में अयोध्या साकेत में हो रही गतिविधियों के बारे में मैं आपको बताने आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जब से वहां बौद्ध अवशेष निकले हैं, पूरे देश भारत के बौद्ध अपने मान सम्मान की सुरक्षा के लिए, बौद्ध विरासत की रक्षा के लिए पूरे देश में आंदोलित हो गए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोग हाई कोर्ट गए, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखा, इवन हम लोगों ने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी किया है। भारतीय संविधान के तहत जितने भी विरोध करने के तरीके हैं, हमने सभी अपनाए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं। आपको सूचना दे दें, आपको जानकारी दे दें, भारत के मुल्क के मालिकों, हमारी सुनवाई डॉक्टर अम्बेडकर बोधिकुंज फाउंडेशन के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट में मेरी सुनवाई है, कल की डेट लगी है, 3 जजों की बेंच कल हमारी सुनवाई करेगी। हालांकि खबर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहां के महामंत्री चंपत राय ने बैठक बुलाई है और 3 अगस्त 5 अगस्त भूमि पूजन के लिए निर्धारित की है। इसके पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बौद्धों को न्याय देगा। हालांकि देश भारत के हिंदुओं ने लोकतंत्र की हत्या करके मनमाने तरीके से राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया है, जिसके खिलाफ देश की आधी आबादी से ज्यादा है, फिर भी ये लोग मनमानी तरीके से राम मंदिर बना रहे हैं। हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे। अगर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई न्याय नहीं दिया, अधिनियम 1958 अधिनियम 1972 को अगर इन्होंने नहीं माना, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग पुतला फूकेंगे, हम लोग आत्मदाह करने की स्थिति में भी जा सकते हैं। देश भारत के बौद्ध जागो, ये हमारे मान सम्मान का विषय है। जहां भी आप जमीन खोदोगे, वहां बुद्ध को पाओगे, क्योंकि यहां पर बौद्धों बुद्ध धर्म के अनुयायी सम्राटों ने 1250 साल शासन किया है। मैं पुरजोर अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, कि बौद्धों को वो न्याय दे, हमारी मांगों को मांगे, वह स्थान राष्ट्रीय स्मारक धरोहर घोषित किया जाए और वहां पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया जाए, जिसमें जो अवशेष निकल रहे हैं उनकी सुरक्षा की जाए। अगर मेरी मांगे भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जन क्रांति करेंगे और जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए हम लोगों ने एक पूरा ज्ञापन तैयार किया है, जिसको हम एम्बेसी को देने जा रहे हैं। जितनी भी एम्बेसियां भारत में हैं, सभी एम्बेसियों को सूचित करेंगे कि देश भारत में बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि हमारे केस की सुनवाई कल लगी हुई है और कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। अगर ये लोग 3 और 5 अगस्त को राम मंदिर पूजन करते हैं, तो हम सभी बौद्ध अयोध्या की तरफ कूच करेंगे और अपने हकों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।